1971 में एक अमेरिकन एयरलाइन के जहाज को टेक ऑफ किए अभी चंद मिनट ही गुजरे थे कि सबसे पीछे वाली सीट पर बैठे एक पैसेंजर ने एयर होस्टेस को अपने पास बुलाया और हंसते हुए एक चिट्ठी उसको थमा दी। उस चिट्ठी में सिर्फ चंद अल्फाज लिखे थे जिसने पूरे अमेरिका में हलचल मचा कर रख दी। वो पैसेंजर कौन था और एफबीआई आज तक उसको जिंदा या मुर्दा क्यों नहीं ढूंढ पाई? ढूंढना तो दूर की बात, अमेरिका की सबसे पावरफुल इंटेलिजेंट एजेंसी पिछले 50 सालों से उस पैसेंजर की जर्रे बराबर भी इंफॉर्मेशन क्यों नहीं निकाल पाई। दोस्तों, इस इंटरेस्टिंग वाक्या की शुरुआत 24 नवंबर 1971 को पोर्टलैंड एयरपोर्ट से हुई थी। एक शख्स जो बिजनेसमैन लगता था, उसने पोर्टलैंड से CA-12 का टिकट बुक करवाया और सीधा जहाज की तरफ बढ़ने लगा। तब अमेरिका में डोमेस्टिक फ्लाइट पर किसी किस्म की कोई शक्ति नहीं हुआ करती थी, ना ही पैसेंजर का सामान चेक किया जाता था और ना ही उनकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की जाती थी। ये नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइन का जहाज बॉइंग 727 था जिसको सिर्फ 45 मिनटों में पोर्टलैंड से सिएटल तक पहुंचना था। सनग्लासेस लगाए एक ब्रीफकेस के साथ डैन कूपर नामी एक पैसेंजर इस जहाज में सवार हुआ और अपनी पसंद की सीट पर जाकर बैठ गया, जो जहाज की सबसे आखिरी सीट थी। उसने अपने लिए एक ड्रिंक ऑर्डर की और साथ ही सिगरेट भी जला ली। यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था क्योंकि फ्लाइट में स्मोकिंग करना भी 7 में अलाउड था। ठीक 2:58 पर फ्लाइट टेक ऑफ हो गई। टेक ऑफ होते ही डैन कूपर पीछे मुड़ा और पास में बैठी एयर होस्टेस को हंसते हुए एक चिट्ठी थमा दी। एयर होस्टेस, जिसका नाम फ्लोरेंस कैफनर था, उसने जब वो चिट्ठी पढ़ी तो जैसे उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसमें लिखा था, मिस, आई हैव अ बॉम्ब हियर एंड आई वुड लाइक यू टू सिट बाय मी, मतलब मेरे पास बॉम्ब है और मैं चाहता हूं कि आप मेरे बराबर में आकर बैठ जाए। फ्लोरेंस स्नेफर जब डैन कूपर के बराबर में आकर बैठी तो उसने अपना ब्रीफकेस खोला जिसमें डायनामाइट की 8 स्टैक्स और एक डेटोनेटर भी मौजूद था। इन शॉर्ट, जहाज हाईजेक हो चुका था और डैन कूपर की टोटल 3 डिमांड्स थी। उसको 5 बजे से पहले पहले $2,00,000 कैश, 2 पैराशूट के पैर्स और सिएटल एयरपोर्ट पर एक रिफ्यूलिंग ट्रक रेडी चाहिए था। अपने डिमांड्स के आखिर में उसने फ्लोरेंस शॉफनर्स को इनडायरेक्टली ये भी बोला कि अगर कोई गलती हुई तो मैं बॉम्ब फोड़ दूंगा। डैन कूपर के अलावा इस जहाज में 35 पैसेंजर थे जिनको पीछे जहाज में होने वाले इस वाकये का बिल्कुल भी इलम नहीं था। फ्लोरेंस कैफनर डैन कूपर की डिमांड से लेकर कॉकपिट में गई और कैप्टन को सारा मांजरा सुना दिया। एक दूसरे एयर होस्टेस जिसका नाम टीना मैकलाउ था, वो अब एक इंटरकॉम लेकर डैन कूपर के साथ आकर बैठ गई, जो पायलट और डैन कूपर के दरमियान मैसेज पहुंचाने का काम कर रही थी। याद रहे कि ये अमेरिका की हिस्ट्री में होने वाला पहला प्लेन हाईजेक था जो रैंसम के लिए किया गया था। इसी वजह से लोकल अथॉरिटीज और एफबीआई ने फैसला किया कि हाईजेकर की सारी डिमांड्स पूरी की जाए। जाहिर है अथॉरिटीज को भी मालूम था कि डैन कूपर उनसे भागकर ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। फ्लाइट जिसको सिर्फ 45 मिनटों में ही सिएटल में लैंड कर रहा था, वह अब अगले 1.5 घंटे तक एयरपोर्ट के इर्द गिर्द चक्कर लगाती रही और बकाया 35 पैसेंजर जो इस सारे वाकये से बिल्कुल बेखबर थे, उनको बताया गया कि टेक्निकल डिफिकल्टी की वजह से प्लेन की लैंडिंग में दुश्वारी हो रही है। इस दौरान सिएटल नेशनल बैंक से $20 के 10,000 नोट इकट्ठे किए गए जिनके सीरियल नंबर नोट कर लिए गए थे और एक करीबी स्काई डाइविंग क्लब से 2 पैराशूट की जोड़ियां भी अरेंज की गई। 5:45 पे जहाज को लैंड कराया गया और वादे के मुताबिक डैन कूपर को पैसों से भरा एक बैग और 2 पैराशूट के पैर्स फराम किए गए। साथ ही साथ जहाज को रिफ्यूल भी कर दिया गया। अपनी मांगे पूरी करवाने के बाद डैन कूपर ने 35 पैसेंजर्स और 2 फ्लाइट क्रू को जहाज से उतरने की परमिशन दे दी, जबकि पायलट्स और 2 फ्लाइट क्रू को जहाज में रहने का ही कहा। इस वक्त रात हो चुकी थी और जहाज एक बार फिर से टेक ऑफ कर गया। डैन कूपर ने अपने साथ बैठी टीना मैकलाउ के जरिए पायलट को कुछ खास इंस्ट्रक्शंस भेजी। वो चाहता था कि जहाज के लैंडिंग गियर्स और फ्लैप्स खुले रहे, एल्टीट्यूड 10,000 फीट हो
स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर और जहाज को सीधा मैक्सिको सिटी लेकर जाया जाए। पायलट ने बाकी तमाम डिमांड्स तो पूरी कर दी, लेकिन जहाज को सीधा मैक्सिको सिटी लेकर जाना फ्यूल की वजह से पॉसिबल नहीं था। लिहाजा पायलट ने डैन कूपर को रिफ्यूलिंग के लिए दो ऑप्शन दिए, रेनो या फिर फ्योनिक्स। डैन कूपर रेनो पर राजी हो गया। दूसरी तरफ लोकल और फेडरल अथॉरिटीज भी अपना काम कर रही थी। दो फाइटर जेट्स को जहाज के पीछे रवाना किया गया, लेकिन वो इतनी स्लो स्पीड मेंटेन नहीं कर पा रही थी। इसी वजह से उन्होंने जहाज के इर्द गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर दिया। रात के अंधेरे में जहाज रेनो की तरफ जा ही रहा था कि इतने में डैन कूपर ने पास बैठी टीना मैकलो को कॉकपिट में जाने को कहा, जहां दो पायलट्स और एक फ्लाइट अटेंडेंट मौजूद थी। जब टीना कॉकपिट का दरवाजा बंद करने के लिए पलटी तो उसने आखिरी बार सिर्फ इतना देखा कि डैन कूपर अपनी कमर पर कुछ बांध रहा था। उसके बाद जहाज की सीढ़ियां खुली और डैन कूपर ने वहां से छलांग लगा दी। इसके बाद जो कुछ भी हुआ पिछले 50 सालों से उसको आज तक डिस्कस किया जा रहा है। 3 घंटों के बाद जब जहाज रेनो में लैंड हुआ तो पूरे जहाज को अच्छी तरह से चेक किया गया, लेकिन जहाज में ना ही कूपर था और ना ही कोई बॉम्ब मिल सका। ना सिर्फ जहाज में बल्कि इस वाकया के बाद डैन कूपर का कहीं कोई अता पता ना चल सका, ना ही जिंदा और ना ही मुर्दा। आखिर डैन कूपर कौन था और पूरे अमेरिका की आंखों को धोखा देकर वह कहां चला गया? ये केस फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का वो केस है जिसको आज तक बंद नहीं किया गया। डैन कूपर को किसी ने प्लेन से जंप करते तो नहीं देखा था, लेकिन स्टेयर केस खुला रह जाने की वजह से ये बात क्लियर थी कि उसने सिएटल और रेनो के बीच में ही कहीं छलांग लगा ली थी। FBI ने जहाज पर सबूत तलाश करना शुरू कर दिया, लेकिन बदकिस्मती से उनको सिर्फ कूपर की टाई, 8 सिगरेट बट्स और 2 में से 1 पैराशूट मिला जो कूपर पीछे छोड़ गया था। हत्या के किसी के पास उसकी कोई फोटो तक नहीं थी। पैसेंजर्स और क्रू से इंटरव्यू लेने के बाद डैन कूपर के होलिये के हिसाब से उसका स्केच बनवाया गया। इससे पहले कि डैन कूपर को सिएटल और रेनो के बीच में तलाश किया जाता, FBI को ये जानना था कि उसने एग्जैक्टली कौन सी जगह पर प्लेन से जंप किया था। ये जानना ज्यादा मुश्किल नहीं था क्योंकि जहाज ऑटोपायलट पे था, यानी जिस रास्ते पर जहाज फ्लाई कर रहा था वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड था। जहाज की स्पीड और एल्टीट्यूड तो पहले से मालूम था ही, साथ ही साथ फ्लाइट रिकॉर्डर की मदद से मालूम पड़ा कि जहाज का स्टेयरकेस 8:10 पे खुला था। इन तमाम इंफॉर्मेशन की बेसिस पे डैन कूपर की ड्रॉप लोकेशन का अंदाजा लगाकर एक सर्च एरिया डिफाइन किया गया। ये 45 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया घने जंगलात और पहाड़ों से घिरा हुआ है। एरियल टीम और लैंड सर्च टीम ने इस पूरे एरिया का चप्पा चप्पा छान लिया, लेकिन ना कूपर का कोई नामो निशान मिला और ना ही कोई ब्रीफकेस मिला या फिर पैसे। हत्या के इस पूरे एरिया में इतनी शदीद सर्दी थी कि सबको यही लगा कि डैन कूपर मर गया होगा, लेकिन उसके बाद जो हुआ वह FBI की वैमो वुमान में भी नहीं था। अमेरिकन हिस्ट्री में पहली बार FBI ने इस केस के लिए पब्लिक से हेल्प लेना शुरू कर दी। डैन कूपर का स्केच और $2,00,000 के सीरियल नंबर भी अखबारों में छाया किए गए और डैन कूपर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन देने पर इनाम देने का वादा भी किया गया। उनका ख्याल था कि कूपर अगर जिंदा होगा तो वह पैसे कहीं ना कहीं जरूर खर्च करेगा, लेकिन हैरतअंगेज तौर पर उस सीरियल नंबर का एक भी नोट कहीं भी दोबारा जाहिर नहीं हुआ। लेकिन मामला अभी तक खत्म नहीं हुआ था। करीब 9 सालों के बाद यानी 1980 में एक वाकया हुआ। सदरन वाशिंगटन में कोलंबिया रिवर के किनारे एक बीच है जिसको टीना बार कहा जाता है। यहाँ एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ खेल रहा था जब उसको रिवर के किनारे नोटों की 3 गड्ढियां मिली। ये $20 के नोटों की गड्ढियां थी जो टोटल $5,800 बनते थे। बच्चे के पेरेंट्स ये पैसे लेकर FBI के पास गए। खुशकिस्मती से इनके सीरियल नंबर उन नोटों से मैच कर गए जो डैन कूपर लेकर गया था। डैन कूपर हाईजैकिंग केस में 9 सालों के बाद ये पहली प्रोग्रेस थी, लेकिन बजाय केस को सॉल्व करने के इस वाक्य ने केस को मजीद उलझा कर रख दिया, क्योंकि ये पैसे ड्रॉप लोकेशन से करीब 27 किलोमीटर दूर पाए गए थे। पहले ये समझा गया कि ड्रॉप जोन में वाकिए लुइस रिवर में ये पैसे डैन कूपर से ही गिरे होंगे और वहां से बहते हुए कोलंबियन रिवर तक आए होंगे, लेकिन बाद में नोटिस किया गया कि कोलंबियन रिवर तो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती है,
यानी ये पैसे लुइस रिवर से बहकर टीना बार बीच तक किसी भी सूरत नहीं पहुंच सकती। एफबीआई के लिए ये मामला तो सुलझने के बजाय उलझता ही जा रहा था। ना सिर्फ इतना बल्कि टीना बार बीच जहां से ये पैसे बरामद हुए थे यहां 1974 में कुछ खुदाई का काम किया गया था। हाईजैकिंग के 3 सालों के बाद टीना बार बीच के किनारे एक्स्ट्रा रेत डाली गई थी और मिलने वाले पैसे इस रेत के अंदर पाए गए थे। इस नई इंफॉर्मेशन से तो ये जाहिर होता है कि डैन कूपर या फिर उसके किसी साथी ने जानबूझकर केस को उलझाने के लिए 3 सालों के बाद टीना बार बीच पर आकर ये पैसे दफनाए थे। इस केस को लेकर एफबीआई ने कूपर जैसे दिखने वाले लोगों से इन्वेस्टिगेशन की लेकिन कोई खातिर खास सुराग ना मिल सका। कई थ्योरीज ये भी कहती है कि कूपर शायद कोई ट्रेन मिलिट्री कमांडो था क्योंकि जो पैराशूट वो अपने साथ लेकर गया था वो एक मिलिट्री पैराशूट था और उसको ऑपरेट करना उस पैराशूट से ज्यादा मुश्किल था। वो प्लेन में ही छोड़ कर गया था। 1980 में $5,800 कैश मिलने के अलावा बकाया 9,710 नोट दोबारा कभी नहीं मिल पाई। एविडेंस के तौर पे एफबीआई के पास डैन कूपर के इस केस के अलावा सिर्फ ये टिकट है जिसमें उसने खुद अपना नाम लिखा था और ये टाई जिस पर क्लिफ लेफ्ट साइड पे लगी थी जिससे ये जाहिर होता है कि डैन कूपर लेफ्ट हैंडेड था। इस केस ने एफबीआई को पिछले 50 सालों से सवालों में उलझा कर रखा है। आज भी एफबीआई की वेबसाइट पर इस केस की तमाम डिटेल्स मौजूद है और इस केस की फाइल आज भी खुली हुई है। दोस्तों इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक और ऐसे ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।